कोड लास्ट क्लास हमने कहां तक पढ़ा था? रेड्यूस तक सर, कुछ ना हुक सर हमने पढ़े थे, तो और आज हमने यूआई रिप्लेस का तक काम हो देख गया, लिया। तो ये हमने कर लिए थे। लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि नेक्स्ट जेएस का कोर्स आउटलाइन क्या है? यार मैंने देखा नहीं है, मुझे जो बोला था पढ़ाने का वही पढ़ा रहा हूँ। वैसे मुझे कोर्स आउटलाइन के अंदर जहाँ तक मुझे पता है, अभी हमारे पास जो है आगे इसके अलावा रिडक्स शामिल है और मे बी यूज कॉन्टेक्स्ट शामिल हो, उसका मुझे कंफर्म नहीं। और सर्वर साइड का सर जैसे सर ने बताया था कि वो अब इस मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, वो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल का पार्ट है, तो सर्वर साइड इसमें मौजूद नहीं है। सर वो कुछ है ना, कुछ ना चीजें दी थी फेसबुक पर क्वार्टर टू 36 के लिए। सर वो आपने क्या देखी? सैटरडे को हुआ था वो अनाउंस शेयर। यूसुफ सर हैं सर? सर यूसुफ नहीं ज्वाइन कर उन्होंने अभी तक, सर वो लास्ट मैं देख लेता हूँ टाइम एक भी वो नहीं ना थे, वो हाफ हाफ क्लास तक उनकी थे, फिर उनकी वो नहीं ना थे। लास्ट टाइम तो वहां पे ब्रेकडाउन हो गया था मेजर, तो वहां चलो पे ठीक उनका है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। तो फिर आज सर लाइन हैं? आज शायद अभी तक तो नहीं आया, लास्ट टाइम सर तो आप उन्होंने मुझे बता दिया था ब्रेकडाउन हो गया। मैं देख रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ आप, या आप यस मुझसे शेयर कर दो। सर, काइंडली स्क्रीन भी जूम कर दीजिएगा प्लीज। जी मैं जब स्टार्ट करूंगा कर दूंगा। थैंक यू। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर से हमारे इस क्वार्टर का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर में होगा शॉर्ट से। नेक्स्ट नेक्स्ट तो सर सर है सर, इसमें नेक्स्ट सर ने तो ये हार्ड है। नेक्स्ट तो हमने पढ़ लिया। अच्छा सर, आपको ये पता है कि रिमेनिंग में कितनी है अब क्लासेस? सर आज तो तीन 11th क्लासेस है, रह गई हैं आज के अलावा, आज के अलावा 2 रह गई हैं। आज के अलावा दो, मतलब 13 होंगी। ठीक है सर, 13 नहीं है, मेरा ख्याल 15 है। सर फिर आज 11th है, तो आज के अलावा अगर दो और होंगी तो 13 होंगी, और अलावा मे अगर बी है तो टोटल चार ट्वेल्व होंगे। होती है ना, 12 या 13 ही होती है, 15 नहीं होती कभी हाँ भी, 3 महीने हाँ का है। वही वही बात मैंने आपसे कह रहा सही हूँ, है। तो आज तो 11th है। इसके अलावा 2 और है। तो चलो इसका मतलब सर 2 मजीद क्लासेस में रिडक्स पढ़ लेंगे हम सर, या बेहतर जी, भी होगा? एक क्लास में ही कवर हो जाएगी रिडक्स तो। ओके ओके गुड सही, सर। तो आप रिडक्स सर इसका मतलब हमने रिडक्स नेक्स्ट के लिए के कोर्स के अंदर सिर्फ नेक्स्ट की चीजें तो पढ़ी नहीं, सिर्फ रिएक्ट की चीजें देखी, जैसे हमने यूज उसकी जो यस सर हुक्स वो बिल्कुल। देखे, मतलब तो नेक्स्ट का हमने सर्वर साइड रेंडरिंग तो आपकी बैक उसमें आएगी ना, नेक्स्ट क्वार्टर में सारा आएगी? रेंडरिंग सर, नहीं मेरा सर, सवाल है मतलब सारा है ना रेंडरिंग मैकेनिज्म जो है वो फ्रंट है ही फ्रंट नेक्स्ट एंड जेस, सर अगर हमने हमने नहीं जेस के कंप्लीट अंदर रेंडरिंग नहीं सर मैकेनिज्म किया है। नहीं पढ़ा तो फिर तो हमने नेक्स्ट जेस के अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा आप मुझे बताएं नेक्स्ट जेस यूज क्यों कर रहे हैं हम, अगर रिएक्ट की ही हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट जेस का एडवांटेज क्या है? आप कह रहे हो नेक्स्ट जेस का रेंडरिंग मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है फिर, आप मुझे बताएं। सर, जैसे हमने रिएक्ट रिएक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जैसे कि हम कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, और इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है जो कि पेज, जो पेज डायनेमिक पेज बन रहा होता है, दैट्स सही। इट। और इसके अलावा आप मुझे बताएं नेक्स्ट में क्या चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी। सर इसके अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, इसमें मैंने इसके आपको बता हम दिया वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में है, तो फिर भी आप ये बात कर रहे हैं और स्टैटिक, आगे, चलिए ठीक है, स्टैटिक साइड और जनरेशन हमने नहीं पढ़ी। हमने पढ़ चुकी है, आप शायद मिस कर चुके हो, ऐसा है नहीं है? क्लास के अंदर सर ने स्टैटिक साइड जनरेट करवा के उसको एक एक बार सर ये चीज दी है, दी है, एक ये कर बार चुके हैं। ये काम हो गया और है। इसके अलावा सही है, यही चीज है। इसके है ना यस, सर है ना, आप इसी में क्लास से में मौजूद थे उस वक्त? सर मैं क्लास में तो हूँ, मैं हर क्लास ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर ने ये तो आप सिर्फ क्लास ज्वाइन करते हैं या दिमाग भी हाजिर होता है आपका? सर मेरा दिमाग हाजिर नहीं। पहले रिकॉर्डिंग देख लिया मंसूर करें। सर, जी जी मंसूर बोले। सर सर
इसमें अंडर स्कोर ऐप और अंडर स्कोर डॉक्यूमेंट्स फाइल सर हमने नहीं सर पढ़ी है, जो कि अंडर सर स्कोर फ्रंट डॉक्यूमेंट्स फ्रंट एंड है सर, आप देख लीजिए ये ये ना आप कह रहे कोड। हो, जी हाँ ये मैंने आपको शायद बताया था कि ये एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग हाँ वो क्लास ना में। सर, सर ना इसमें है ना कोई ना काम नहीं किया, सिर्फ नहीं अच्छा वर्बली सा देखें बस ना हुआ है क्या सर काम उसके है ना, सर, बगैर काइंडली हमें जूम ना स्क्रीन सर, अच्छा जूम देखिए स्क्रीन उस सर, थैंक यू। उसके है ना सर है ना, बगैर देखिए मैं हम सर ना के अपना ओके फ्रंट एंड सर, का थोड़ी जो है ना और थोड़ी सामान और सर नहीं सर होगी। ओके। देखिए होता क्या था, जब हम रिएक्ट पढ़ रहे थे तो हम रिएक्ट को किस में रेंडर कर रहे होते थे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पब्लिक के फोल्डर में, नो रिज्यूम नो वर्चुअल डॉम में ना, सॉरी वर्चुअल विंडो डॉम में की तरह करते थे जूम ना सर। कीजिएगा सर, ये विंडो में जूम कीजिएगा प्लीज। ये काफी आवाजें अब आ गई हैं तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि क्या बात हो रही है। मैं कह रहा हूं हमने रिएक्ट डॉम जो, सॉरी वर्चुअल डॉम पे रेंडर होते हैं ना रिएक्ट, तो ऐसा ही है। सर नेक्स्ट JS में कुल दो क्लासेस ही सर सिर्फ हुई हैं, दो क्लासेस नाइन रही हैं तो आप कितनी चाह रहे हैं मुझे बताएं। सर मैं ये नहीं, मैं मतलब चाह रहा हूँ मतलब ना इसके ना टॉपिक जो है सिर्फ फ्रंट एंड के वो तो अरे मेरे हम भाई नेक्स्ट कंप्लीट जेएस कर कोई लें। इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना आप लोगों ने सर पे उठा के रख लिया है, ये एक क्लास में दो क्लास में कवर होने वाली चीजें हैं। मेन चीज आपकी जावास्क्रिप्ट है जो आप कवर करके चुके हो, जी आपने हाँ जी जावास्क्रिप्ट हाँ, में वो छह तो क्लासेस तो 7 क्लासेस कवर की है मेरे ख्याल में। सर सर वो आपकी मर्जी है, मैं कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर हम मैं नेक्स्ट आपको बता रहा JS हूँ भी आगे तक अगर हम थोड़ा सा मतलब इसी का बेसिक ही है सर वो देखिए मेरी बात चीजें सुने, मेरी बात सुने, सिंपल सी बात है, जो अगर आपके कोर्स में शामिल होगा वही हम पढ़ाएंगे, अगर उस जो चीज उसमें शामिल नहीं है आप यहाँ ठीक है। पे बोल रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो, अगर मैनेजमेंट बोलेगी तो हम जरूर पढ़ाएंगे। सही ठीक है सर, है लेकिन सर सर वो कल जो फेसबुक पे भी जो जो है ना नोट्स आए थे वो आप मतलब ना देख लें, वो मेरे ख्याल से सभी ने कल आप देखे ग्रुप होंगे से शेयर उसमें। कर दिएगा, मैंने देखा नहीं फिर रूम से। ओके चलिए ठीक है सर, मैं आपको कर देता। तो सर आज 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 क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं? आज हम रिडक्स पढ़े या नेक्स्ट जेस करने डिजाइन पढ़े आप मुझे बताएं। मैं तो सोचा था कि आप लोगों को डिजाइनिंग पढ़ा दूं मटेरियल यूआई और एनडी की, सर या ये डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन से देख लेंगे सर, आप रिडक्स पढ़ा दें। रिडक्स पढ़ा दूं जी सर। बाकियों सर सर मैं यहाँ पे ये सर बात जो आप बेहतर समझे सर। रिडक्स बात पढ़ा सर सर, पहले डिजाइन रिडक्स वगैरह पढ़ाते के हैं, तो तो बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, रिडक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें स्टोर के। सर आप ना जब ये रिडक्स आप ना पढ़ा रहे हैं ना तो सर थोड़ा सा है इसमें ना कंपेयर करके भी बताइएगा सर हुक से, जो नेक्स्ट JS के और रीएक्ट के जो है ना सर हुक, उससे सर थोड़ा सा ना कंपेयर करके भी आप बताइएगा फिर। ठीक है सर। चलें सर ओके। वैसे देखिए जो आप बेस्ट समझते हैं ना वो पढ़ाएं सर प्लीज। मैंने ये सोचा था कि हमारे पास आगे दो क्लासेस और हैं, सही है, हम आज वो पढ़ लेते मटेरियल यूआई और एनडी, और कुछ एक आध पेज बना लेते हो उसी को फॉलो करते हुए, सर बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल यही करें सर फॉलो प्लीज। अदरवाइज हम ये कर सकते हैं कि रिडक्स स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर आप जो भी बेहतर समझे, लेकिन जो सा ना पैटर्न है जो थोड़ा सा मैंने भी आपसे डिस्कस किया है जरा उसे भी लेते हुए आप ना चलिए, ठीक है ठीक रिडेक्सी आप आज करवा दीजिए सर। है। वैसे मेरी सर से बात हुई थी तो मैं आज मटेरियल यूआई और यही कराऊंगा। सर यही पढ़ाए मर्जी सर। सर, यही सर पढ़ाए ये प्लीज। रिडेक्स सर अगर आप करवा देना तो ज्यादा बेहतर शायद हो जाए, वैसे सर आपकी मर्जी है, जो है ना सर सर थैंक यूसुफ ने यू कहा है ना सर सर आपसे सर वही बस फिर आप करवा दीजिए।
ओके थैंक थैंक यू सर, जो सर ने कहा वही कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल, आप पी की फरमाइश होगी, लेकिन देख लें क्या होता है। ओके अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देता हूँ। एनडी के बटन्स, सही है ये सर, सारी ये चीजें तो हम डॉक्यूमेंटेशन से भी कवर कर सकते हैं, ये तो यस बिल्कुल सर, बेसिक फ्रेमवर्क है यही है सर। जो सर ये हमारी बात सर, मेन चीजें वो तो सर जैसे रिडक्स है, ये रिडक्स तो है तो वही सर रीड की फिर हड्डी आप है समझ ले। करवा दीजिए सर। ओके मैं आज की रिडक्स करा के आज क्लास एंड कर दूंगा, आज के बाद क्लास नहीं होगी। ओके मैं बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियोस की बात है ना तो हर तरह की वीडियोस अवेलेबल है सर। जी जी सर बिल्कुल, आप जो ये जो असल में ये होशियार बन रहे हैं सर, तो प्लीज जो आप आपको बेहतर समझते बस हैं। सिंपल सी रिडक्स कवर कराता हूँ आज। रिडक्स के लिए आपको दो चीजें इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले एक रिडक्स है सही है, और दूसरी है रिएक्ट रिडक्स। ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है सही है, जैगुआर आ रही है। एक है रिएक्ट रिडक्स, लिख लें अपने पास। मैं लिख रहा हूँ कमांड npm install redux and react redux। ओके ये आप लोग इंस्टॉल कर लें सब अपने पास। सर थोड़ा सी स्टेप लिख दें सर। मैंने लिख दिया है, आपको सेंड कर दिया है, आपने जस्ट वो कमांड रन करनी है। ठीक है सर। ओके एक छोटी सी सर प्लीज, एक छोटी सी सजेशन है प्लीज हम सब दोस्तों के लिए, बराए मेहरबानी सर, जो आपका कोर्स कंटेंट है ना, जो सर ने आपको कहा है यस आप सर, वो कीजिए। वही और सर आप दूसरा सर प्लीज मुझे सुन लीजिएगा प्लीज, सिंपल पढ़ाइए। दूसरा सर हर तरह की जो ना डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उर्दू वर्जन में भी है, इंग्लिश में भी है, मतलब के साथ बड़ी अलग तरीके से भी बताया हुआ है। तो काइंडली सर जो आप कोर्स कॉन्टेंट है और जो सर ने आपको कहा है में वो पढ़ा दें प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर। कोई मसला नहीं है, हम बाद में देख लेंगे डिजाइन को सही, हम अभी रिडक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा मैं नॉर्मली यान यूज करता हूँ, तो मैं यान से भी कर सकता हूँ। यान पता है आप लोगों को सर, ये वाली विंडो भी ज़ूम कर दीजिएगा प्लीज, मैंने ऑलरेडी करी हुई, मैं और कर दूंगा। क्लियर है सर, थोड़ी सी ओके डन सर, थैंक यू। ओके अच्छा अब हमें दो चीजें इंस्टॉल करनी है, एक npm install redux और दूसरी चीज है react redux। ओके ओके सर। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जो सर सर ने आपको ना बताया ना सर, सर आप वही सिर्फ पढ़ा दीजिए, जो सर की इंस्ट्रक्शंस हैं उसी को बस आप फॉलो सर आप कर दें। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए ये दोनों चीजें हमारे पास अब इंस्टॉल हो गई है। अच्छा अब होता क्या है, अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई मुझे बताएगा रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ती है और ये किस लिए यूज होती है? डेटा को सर सेव करने के लिए। डेटा तो सेव हमारे स्टेट में भी होता है, फिर क्यों जरूरत पड़ती है हमारी? सर स्टेट में ये प्रॉब्लम ये है कि उसको आप जब आप प्रॉप्स पास करते हैं तो वो पेरेंट से चाइल्ड में होता है, चाइल्ड टू पेरेंट प्रॉप्स पास नहीं हो सकते, तो आपको ना वो ग्लोबल स्टेट की जरूरत पड़ती है, यानी स्टोर बनाने की जरूरत पड़ती है जहाँ से कोई भी कंपोनेंट जो है ना, कोई भी प्रॉप्स जो है कर सकता है, एक्सेस कर सके, ग्लोबली एक्सेस कर सके। तो उसमें हुक्स का भी, हुक्स भी हैं और ये जो उससे पहले तो रिडक्स और दूसरे स्टोर्स भी हैं जो थर्ड पार्टी स्टोर्स हैं जो रिएक्ट का अपना हिस्सा नहीं है, तो स्टेट मैनेजमेंट होती है। ओके और इसके अलावा सर प्रॉप्स डिटेलिंग से बचने के लिए हम मतलब स्टोर स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेरेंट है उसके दो चाइल्ड हैं और उन दो चाइल्ड्स के भी दो दो चाइल्ड्स हैं, तो मतलब ये जो रूट है, अगर मैं बात करूं ग्रैंड पेरेंट तक की कहानी है, और मैं ये कहूं कि अगर ग्रैंड चाइल्ड से पेरेंट सिबलिंग को भेजना है प्रॉप, तो किस तरह भेजोगे आप?
आप मेरी बात समझे, ग्रैंड चाइल्ड से पेरेंट सिबलिंग को अगर आपने डाटा भेजना है तो किस तरह भेजोगे? आप भेजोगे अपने पेरेंट में, पेरेंट से जाएगा आपके ग्रैंड पेरेंट में, ग्रैंड पेरेंट से जाएगा आपके पेरेंट सिबलिंग में, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ग्रैंड ग्रैंड हो गया, ग्रैंड पेरेंट हो गया, पेरेंट सिबलिंग, ये सारे प्रोसेस के जरिए पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर। ये चीज क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब क्या होता है कि ना जब हम रिडक्स यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है, एक स्टोर बना लेता है, और वो सारा का सारा जो डाटा है वो उस स्टोर में सेव कर रहा होता है, और हम उसको थ्रू रिडक्स हुक्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में, जिस कंपोनेंट के अंदर रिडक्स एक्सेस होती है। मतलब हम क्या करते हैं, रूट कंपोनेंट, रूट हमारी जो होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिडक्स से रैप कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे पेजेस का फोल्डर है, हम एक फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं रिडक्स का फोल्डर, और आजकल जो यूज हो रहा है वो हो रहा है स्टोर का फोल्डर। तो हम क्या करते हैं, स्टोर के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है एक्शन का फोल्डर, एक्शंस, और दूसरा आता है रिड्यूसर्स का फोल्डर। ये दो फोल्डर्स आते हैं आपके पास। अब एक्शन क्या करता है, एक्शन के अंदर हम सारे के सारे आप समझे फंक्शंस लिखते हैं, उन फंक्शंस के थ्रू हम अपनी रिडक्स अपडेट करते हैं, सही है। और इसके अलावा जैसे अब मैं कहूं कि एक फॉर्म बना लेते हैं, एक पेज बना लेते हैं लॉगिन का, login.psx, अच्छा मैं साथ साथ, क्योंकि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन से वो पढ़ लोगे, मैं लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ एनडी की, एनडी इनपुट। मैं पूरा एक फॉर्म उठा लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे साथ में एनडी इंस्टॉल कर लेता हूँ, यागुआ से एक एनडी का फॉर्म है,
ये आपका लॉगिन हो गया। और चेक करते हैं अपने पास, हम आते हैं लॉगिन पे। ये वर्क करना चाहिए। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गई है हमारे पास। सॉरी, टैब चलाना था मुझे, मैंने बिल्ड चला दी थी। सही है, आपका हो गया। अब इसके अंदर एक चीज आपको ऐड करनी होती है, वो होती है एनडी की index.css होती है, वैसे ये यूज नहीं कर अभी। अच्छा, अब एक इसका डिव बना लेते हैं अच्छा सा, जिसमें इसको रैप कर लेते हैं। मैं ग्लोबल सीएसएस में लिख देता हूँ। ग्लोबल सीएसएस अच्छा, हम ये सर, इसको जी सर, ये ग्लोबल सी एस एस को सर इंक्लूड इंपोर्ट करना सर पड़ेगा, ये तो सर अंडर स्कोर ऐप में तो सर ये होती है ग्लोबली। एक मिनट, अंडर स्कोर ऐप में अगर एग्जिस्ट करती है तो नहीं सर, ऊपर होगी सर, ये देखें। ओह सॉरी, फिर यहाँ पे है ना सर। यस सर,
अच्छा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कार्ड बना देते हैं। तो इसको हम क्लास नेम दे देते हैं फॉर्म कार्ड। और ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी, एक कार्ड की स्टाइलिंग उठा लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कार्ड की एक स्टाइलिंग आ गई। ये आ गया कार्ड आपके पास, अब इसको हम सेट कर लेंगे बस। अच्छा अब एक और डिव आएगा आपका, जो आपका मेन डिव होगा जिस पे ये रैप होगा। अच्छा इसके बाद आपके पास जैसे ये डिव है ना, इसको भी एक क्लास दे देते हैं और पेज के नाम से। एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर देखते हैं रेड। अच्छा देखिए इसकी जो विड्थ आ रही है वो ये आ रही है। सबसे पहले इसकी हाइट हम 100% देते हैं, हाइट 100 VH दोगे आप, परसेंटेज में हाइट कभी भी नहीं दोगे, सही है। अच्छा मार्जिन भी दे दें। ये बाय डिफॉल्ट आप ये देखो, ये ना मार्जिन दिया हुआ है इसने ऑटोमेटिकली, तो आप ये कह सकते हो। इसको 90 समथिंग देते हैं, 98 VH। स्टिल स्क्रॉल आ रहा है, 97 97 हाइट हमने दे दी, सही है। अच्छा मार्जिन की अभी जरूरत नहीं है, वो हम देखते हैं, सही है। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है इस बॉक्स को सेंटर में करना है, तो सिंपली इसको क्या कहते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आ गया सेंटर में। और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं ताकि वो मिड में आ जाए। आ गया मिड में, सही है। ओके सर, ठीक है। अब हम आते हैं इस कार्ड पे अगेन, हमारा कार्ड तो आ गया। अब कार्ड के अंदर हमें मार्जिन देना है कि जो थोड़ा सा ये कार्ड नीचे हो गया ना, इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है, तो हमें मार्जिन टॉप दे देते हैं। अच्छा मार्जिन टॉप अब माइनस में देंगे, 40 PX लेट से मैं कहता हूँ, थोड़ा और देना पड़ेगा, 80 करते हैं, 120। या एक काम और करते हैं, इसकी हाइट कम कर देते हैं, ये और ऊपर चले जाएगा। ओके और इसको कर देते हैं 100, या इसको 80 हाइट कर देते हैं, नहीं 90 सही है, ये 120 सही है। अच्छा ट्रांजिशन लगी हुई है। अच्छा इस इन्होंने क्या करा है, विथ भी दी हुई है। आप लोगों को मीडिया क्यूरी आती है ना, जी सर, ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जी जी सही याद। है। अच्छा अब मार्जिन हमने दे दिया, बॉर्डर रेडियस आपका आ गया ये रहा। अब क्या चीज कमी है इसमें, सबसे पहले तो एक काम करते हैं इसमें ना, H1 से हम एक हेडिंग डाल देते हैं लॉग इन फॉर्म की। हेडिंग भी और थोड़ी पैडिंग भी लगेगी इसमें, बिल्कुल वो हाँ लॉग इन हो गया। अच्छा अब ये भी वही चीज है भाई, ये इसको क्या हुआ, इसको
टेक्स्ट लाइन पहले इसको पैडिंग दे देता, सही है? तो पैडिंग सबसे पहले कहाँ की आती है? टॉप, टॉप हम दे देते हैं 20px, देन राइट टॉप दे देते हैं 60px, राइट एंड लेफ्ट 20px एंड बॉटम 40px। अब सही लग रहे हैं? जी सर। अच्छा एक चीज और हो गई, अब अगेन वही हम क्या करते हैं, इसकी एक क्लास बना लेते हैं, स्क्रीन स्टक हुई है। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन स्टक हुई है, आपका इंटरनेट का इशू है, ऐसे ही है? मेरी चेक कर रहा था, सर्विस सही एकदम। अच्छा फ्लैक्स, हम एक फ्लैक्स बॉक्स के नाम से एक क्लास बना लेते हैं, सही है, जिसके अंदर तीनों चीजें दे देते हैं। और अब क्या कहते हैं, और पेज के अंदर भी हम बोल देते हैं कि भाई हमारी फ्लैक्स बॉक्स है ये पेज, और इसके अंदर भी ये दे देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब हुआ क्या, इसके अंदर ना ये डिस्प्ले अलग अलग देते हैं दोनों को, दोनों की अलग अलग है। सो डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया आपका, सही है? अब अच्छा एक चीज और है, अब ये डिस्प्ले जब हमने फ्लैक्स करा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है बाय कॉलम्स, सो जस्टिफाई कंटेंट नहीं, जस्टिफाई नहीं, फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ करते हैं, रॉ ऑलरेडी हुआ है, कॉलम करते हैं, कॉलम हो गया, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नॉर्मली आप ज्यादातर यही चीजें यूज करोगे, एंड अलाइन आइटम सेंटर आल्सो, सेंटर करने के लिए सिंपली आपके सेंटर हो जाएगा, सही है? अच्छा अब क्या है, इसके इनपुट की विड्थ थोड़ी कम है, तो हम इसके इनपुट की विड्थ भी बढ़ा लेते हैं, क्लास नेम फॉर्म इनपुट के नाम से मैं वो बना लेता हूँ। भाई रिडक्स यूज करनी है हमें, तो उसके लिए यूज करने के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए, इसलिए मैं फॉर्म बना रहा हूँ, सही है? वरना आप ये भी बोलोगे कि सर आप पढ़ाते फॉर्म पे आ गए। नहीं नहीं सही है सर। अच्छा सिंपल इसकी विद देते हैं हम, विद मैं कहता हूँ भाई इसकी विद होनी चाहिए 80% व्हाट जो भी स्क्रीन है, एक मिनट। अच्छा देखो मुझे जब भी डिबग करना होता है मैं ये चेक करता हूँ कि इस फॉर्म की जो भी कलर लगा के विड्थ वगैरह क्या आ रही है, तो मुझे पता चला कि इसकी विड्थ ही इतनी आ रही है, तो मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल क्या करते हैं, इसकी विड्थ दे दें 100%। ओके और ये इसकी मैंने क्योंकि यहाँ पे 80 दी हुई थी, मैं यहाँ पे हटाता हूँ ये, तो ये भी पूरी हो जाएगी, सही है? और एक और अगेन काम ये करते हैं,
टॉप राइट बॉटम, अच्छा मैंने बॉटम गलत दे दी, बॉटम 40 थी और ये 20 थी। सही है, यहाँ पे आ गया हमारा सारा। रिमेम्बर में मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फिलहाल, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सबमिट का बटन आ गया हमारे पास और इसको मैं अगर यहाँ पे ब्लॉक कर दूँ तो सही है, यहाँ पर ये भी आ गया और यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम की जगह आ जाएगा ईमेल। अभी हमारे पास लॉगिन का फॉर्म बन गया है। सिंपली हम क्या करेंगे, सबमिट की जगह हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन और इसी को एक कॉपी करके मैं साइन अप बना लेता हूँ, रजिस्टर बना लेता हूँ। रजिस्टर मैं फुल नेम करता हूँ, ये लिंक हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। Already I have an account. Then login to ये हम लॉग इन और रजिस्टर पे जा रहे हैं। अब हम सबसे अब हम आते हैं रिडक्स पे, हमारे पेजेस बन गए, हम आते हैं रिडक्स पे। अब हम करेंगे क्या, हम रिडक्स को रैप करेंगे अपने एप्लीकेशन में और उसको यूज करेंगे इसके साथ। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे दो चीजें आ गई, एक्शंस और रिड्यूसर।
अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे फाइल बनेगी स्टोर डॉट टीएसएक्स के नाम से, सही है, जिसके अंदर हमारा स्टोर आएगा, और एक हमारी बनेगी रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर के नाम से, रूट रिड्यूसर कह लो या सर डॉट टीएसएक्स। अब हमारे पास हम आते हैं सबसे पहले एक्शन में। एक्शन में हम कह लेते हैं यूजर फॉर्म एक्शंस कह लेते हैं या यूजर एक्शंस कह लेते हैं, सही है। तो यूजर एक्शंस डॉट टी एस एक्स, ये हमारी फाइल बन गई। इसके अलावा एक फाइल हम और बना सकते हैं, वो होती है टाइप्स डॉट टी एस एक्स के नाम से, या टाइप्स डॉट जे एस एक्स जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। तो इसमें क्या करते हो, आप टाइप्स डिफाइन कर देते हो। टाइप्स मतलब कि किस टाइप का आपका रिड्यूसर डिस्पैच हुआ है, एक्शन डिस्पैच हुआ है आपका, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर लेते हो। अगर आप स्टैटिक रखते हो तो उसमें ये होता है कि आपको एक्शन में भी डिफाइन करना पड़ता है और रिड्यूसर में भी डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर लेते हो तो आप क्या करते हो, इम्पोर्ट करके उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्शंस के अंदर, और अगर मैं एक्शंस में बात करूँ आपको, तो बल्कि एक्शन से पहले हम एक काम करते हैं, टाइप्स में है ना ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक कांस्टेंट लेट्स से मैं कहता हूँ, अच्छा एक कैपिटल रखेंगे, रजिस्टर यूजर। इसमें टाइप डिफाइन करने की मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है, अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर इनकी टाइप क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी, सही है, वैसे जरूरत नहीं है। सिंपल इसी को कॉपी कर लो जस्ट। ये समझ में आ रहा है क्या करा है हमने या नहीं? देखें अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है रिडक्स का ना, तो यहां तक जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये चीज समझ में आई है आप लोगों को या नहीं? ठीक यस सर। की आवाज आई है, 40 बंदे। ये टाइप के नहीं समझ, ये टाइप टाइपिंग। हाँ मैं बताता हूँ, इसके अलावा एक्शंस का फोल्डर समझ आ गया, रिड्यूसर समझ में, रिड्यूसर में बताऊंगा, ये सारे बताऊंगा, लेकिन आपको ये क्या, अच्छा सिंपल आपने क्या करना है, एक बार बना के रख लेना है, और इसी का टेम्पलेट आप बार बार यूज करोगे अपने हर प्रोजेक्ट में। ऐसा नहीं है कि हर बार आप बनाओगे, हर बनाने में टाइम लगाओगे, सही है। सिंपल आपने क्या करना है, वन वन टाइम यूज करना है, और उसके बाद उसी को यूज करते रहना है। ये टाइप मैं आपको बताता हूँ अभी के लिए, फिलहाल समझे हमने एक वेरिएबल बना दिया रजिस्टर यूजर के नाम से, सही है, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं लॉग इन यूजर, सही है। ये दो हमने बना लिए लेट्स से। अब इनको क्या करते हैं, मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर रहा मैं सारे वन बाय वन कर रहा हूँ। अब ये दो चीजें मैंने एक्सपोर्ट कर दी। अब मैं आता हूँ अपने एक्शन में। मैंने एक्शन में अपनी एक यूजर एक्शंस के नाम की एक फाइल बनाई थी। अब मुझे ये दोनों चीजें यहाँ पे इम्पोर्ट करनी है। और अच्छा ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब हम आते हैं अपना, सबसे पहले रजिस्टर का फंक्शन बना रहे हैं, मतलब हम बना फंक्शन रहे हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, इस केस में हम इसको एक्शन कहेंगे, सही है।
है हमारा फंक्शन ही, लेकिन हम इसको एक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे ये हमें बाद में समझ आएगा। मैं एक एक्शन बना रहा हूं रजिस्टर यूजर के नाम से, सही। अच्छा, अब रजिस्टर यूजर के अंदर मैंने इसको बनाया और सिंपल इसने मुझे क्या करा, रिटर्न कर दिया। दो चीजें रिटर्न करेगा, एक करेगा टाइप। अच्छा, टाइप हमारी क्या होगी, रजिस्टर यूजर, सही है। एंड सेकंड चीज हमारी क्या होगी, लेट्स से हमारे पास जो प्रॉप रिसीव डाटा रिसीव होगा, लेट्स मैं कहता हूँ यूजर यूजर रिसीव होगा, तो मैं वही यहाँ पे पास कर दूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूँ। अच्छा, यहाँ अब आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, तो आप इसको, क्योंकि आपको पता है यूजर आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका यूजर का इंटरफेस है उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो, सही। अब क्या हुआ देखो, बहुत से लोग जो रिडक्स यूज करते हैं उसके अंदर यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली पास कर दिया ना ये, तो ये इस तरह पास नहीं करते, वो पास करते हैं पेलोड। लेट्स से मैं कहता हूँ पेलोड है आपका, और पेलोड के अंदर ये पास कर देते हैं, सही है। ये एक स्टैंडर्ड कह लो आप कि भाई जो भी डाटा आएगा वो ये कर लो, ये अच्छी चीज है, सही है। पेलोड इसका ये है, तो हम यही फॉलो कर लेते हैं। एक एक्शन हमारा ये बना, इसी को मैंने कॉपी करा और मैंने क्या करा, अब रजिस्टर की जगह लॉग इन यूजर बना लिया एक, और अब यहाँ पे इसका सिर्फ एक्शन यहाँ पे क्या करा मैंने, लॉग इन यूजर मैंने बना दिया। अब उसके बाद क्या होगा, यहां तक समझ में आया सबको या नहीं? पेलोड का जरा बता देंगे क्या? पेलोड आप ये समझे, डाटा जो हमें रिसीव हो रहा है ना, वो उसको हम पेलोड हमने की बना दी है, उसके अंदर हम भेज रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्लियर है। पेलोड के मैं नॉर्मली यूज नहीं करता पेलोड, आप ये समझे कि एक आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, या आप नॉर्मल खुद ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये देखो ये ऑब्जेक्ट आप खुद बना रहे हो, तो जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सिंपल क्या है, इन्होंने सिंपल एक काम ये करा है जो मैं भी नहीं करता नॉर्मली, स्टैंडर्ड को फॉलो करा है। स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, अगर मैं कहूँ नाम नेम फादर नेम एड्रेस और क्लास, और सेम क्लास के स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी सेम ही होंगे ना, वैल्यूज डिफरेंट होगी लेकिन की सेम होगी, ऐसे ही है जी। जैसे मैं अगर कार्स की बात करता हूँ, कार्स की वैल्यूज डिफरेंट होती है, वैल्यूज को मैं बोलूंगा सिविक या स्पोर्टेज, लेकिन उनकी टाइप की तो डिफरेंट सेम होती है ना, मतलब अगर व्हील है, मैं व्हील की है उसकी वैल्यूज 4 है, तो ये 4 व्हील है, तो समझो आप कोई भी फंक्शन है उसकी 2 प्रॉपर की है, वैल्यू डिफरेंट होंगी जस्ट, सही है। तो आप जो भी आपका पेल एक्शन कॉल होगा उसमें आपको डाटा मिलेगा, उसमें आप रिटर्न क्या कराओगे, टाइप कराओगे, और उसमें क्या कराओगे, पेलोड कराओगे, सही है। अच्छा, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट रजिस्टर यूजर और लॉगिन यूजर, ये दोनों चीजें हमने एक्सपोर्ट कर दी। अब हम आते हैं अपने रिड्यूसर पे। अच्छा, अब हमने क्या करा, हमने ना यूजर एक्शंस बना लिए, तो यूजर रिड्यूसर्स बना लेते हैं, या इसको यूजर एक्शंस की जगह हम ये कर लेते हैं, यूजर की जगह हम ऑथ कर लेते हैं, ऑथ सही रहेगा, सही, ऑथेंटिकेशन। और हम इस इधर एक और, अच्छा एक चीज ये, जो जिस फाइल की यहाँ पे आप एक्शन बनाओगे, कोशिश करो उसी फाइल का रिड्यूसर भी बनाओगे, उसी नाम का रिड्यूसर बनाओगे। जैसे मैंने ऑथ एक्शंस बनाया ना, ये स्टैंडर्ड लाजमी नहीं है, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ आपको, ऑथ रिड्यूसर के नाम से। अच्छा, अब सबसे पहले आपने सारे के सारे वही चीजें कॉपी करनी, इंपोर्ट करनी है जो आपने वहां पे करी थी। यहाँ पे आप एक फंक्शन बनाओगे एरो रिड्यूसर के नाम से,
या किसी भी नाम से बना सकते हो, इट्स अप टू यू। इसके अंदर दो चीजें रिसीव होंगी, एक होगा स्टेट इनिशियली, ये क्या होगी ऑब्जेक्ट कह लो इसको, फंक्शन तो यूज कर रहे हैं, अच्छा सही है। और दूसरी चीज जो हमारी होगी वो होगी एक्शन, अच्छा एक्शन के अंदर भी हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। तो हम एक्शन क्या है, एक्शन ये है ना, एक्शन रिटर्न क्या कर रहा है हमें, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है ऐसे ही है, तो हमें क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट। अच्छा हमने याद है हमने पढ़ा था कि हम स्विच केस ज्यादा यूज नहीं करते, स्विच केस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कि एडवांटेजेस ये कि आप ये कह लो कि ये इफ से फास्ट होता है बहुत, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके, ऐसा ही है बिल्कुल सर। अच्छा अब यहाँ पे ज्यादातर ना हम रिडक्स के अंदर स्विच केस पढ़ते हैं, ये फास्ट होता है इसलिए एक्शन डॉट टाइप। अब ये देखो, अब हम क्या करते हैं, एक इसका इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस एक्शन, और इसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, एक आएगी टाइप, सही है, टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी ऑलवेज, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा पेलोड। जब पेलोड हमारे पास क्या है, पेलोड हमारे पास स्ट्रिंग भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है पेलोड, तो मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि हमारे पास पेलोड लाजमी नहीं ऑब्जेक्ट है, कभी स्ट्रिंग भी आ सकता है, कभी बूलियन भी आ सकता है। अब हमारे पास क्या हुआ, जब मैंने ये पास करा तो क्या हुआ, ये एरर खत्म हो गया। अब हम आते हैं स्विच केस पे, अब मैंने क्या करा, ये लिखने से पहले सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर, सही है। अब हुआ क्या, अच्छा अभी तक सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, अभी हमने इसको नेक्स्ट में इंप्लीमेंट नहीं करा, सही है। अब क्या होगा, हमें ये चेक करना है, सॉरी ये नहीं आएगा, अब हमें केस बताना है। अब हमने बोला कि हमारे स्विच को किस पे नजर रखे, एक्शन की टाइप पे, सही है, एक्शन की टाइप को मैच करो जो हम केस बता रहे हैं। मैंने बोला भाई केस अगर बिलफर्ज मैं कहूँ रजिस्टर यूजर का है, सही है, तो आप क्या करोगे, आप आओगे इधर और रिटर्न करा दोगे डॉट 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 स्टेट। अच्छा स्टेट क्या है, आप ये समझो ये वो होगी हमारी स्टेट रिडक्स की जो सेव होगी हमारे पास रिडक्स के अंदर इनिशियली। ये क्या अब हम शो करा रहे हैं कि भाई ये नल है इनिशियली, सही है, और हमने यहाँ पे क्या भेज दिया, ये क्या करता है, ये आपको पता है ना ऑब्जेक्ट की एक कॉपी यहाँ पे पास कर देगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपको पता है रजिस्टर यूजर के अंदर आपको जो मिलेगा वो यूजर मिलेगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे यूजर पास करना है। अच्छा एक चीज और करनी है, एक चीज और करनी है हमें, ये हमारे पास जो यूजर्स आएंगे ना वो ऐसा है कि मल्टीपल यूजर रजिस्टर हो सकते हैं और उसमें से ही हम चेक करेंगे कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं, सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं कहता हूं लेट यूजर यूजर्स, सही है, कि हमारे पास यूजर्स हैं और वो चेक कर रहा हूँ स्टेट डॉट यूजर्स
डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी भी एक वो बना लेते हैं इंटरफेस फिलहाल, सही है, और नहीं बना सकते इसको क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होगी, तो इसको हम एनी कर देते हैं, सही है। मैंने बोला स्टेट डॉट यूजर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज क्या करो, इसको नल एरे असाइन कर दो, सही है। अब क्या करोगे, आपने एक्शन डॉट यूजर को पुट कर पुश करना है, इसमें मैं कहता हूं हाँ यूजर्स डॉट पुश इसकी टाइप हम रख देते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी ये। अच्छा इसका इंटरफेस बना लेते हैं हम यूजर्स का, कि हमारे पास यूजर्स क्या होंगे। इंटरफेस एक काम और क्रिया करें, अभी तो हम ऐसे ही बना रहे हैं इंटरफेस, लेकिन आप इंटरफेस के लिए भी एक अलग से फाइल बना लो जहां पे सारे इंटरफेस रख लो बना के, और वहां से इंपोर्ट करके आप यूज कर लो ग्लोबली। यूजर इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे यूजर में तीन चीजें आएंगी, एक आईडी आएगी, आईडी जो हम नंबर देंगे, दूसरी चीज आएगी फुल नेम जो कि स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली, और तीसरी चीज आएगी ईमेल सेम स्ट्रिंग, एंड चौथी चीज आएगी पासवर्ड स्ट्रिंग। अच्छा मैं यूज कर लेता हूँ यूजर का इंटरफेस, सही है, और इसको मैं बता देता हूँ ये क्या है, ये कह रहे है, सही है। तो एक का अच्छा इसको सिंपल ये करते हैं, इसको ये करने के बजाय हम इसको पास कर देते हैं इस एरे के अंदर, सही है। और अब इसके अंदर हम पास कर देते हैं एक्शन डॉट पेलोड जो भी हमारे पास आएगा। अच्छा एक्शन डॉट पेलोड से भी पहले हमें एक चीज पास करनी पड़ेगी, हम पास कर डॉट 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 एक्शन डॉट पेलोड ये पास करा, और आईडी क्या करेंगे हम, आईडी आईडी को हम ये कर देते हैं यूजर डॉट लेंथ प्लस, सही है, और इसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे। ये चीज समझ में आई कि हमने यहाँ पे करा क्या, सिंपल एक यूजर हमने अपनी स्टेट के अंदर डाला, हमने चेक करा क्या स्टेट के अंदर ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे एरे बना लो और उसके अंदर पुश कर लो और उसको क्या कर दो रिटर्न करा दो, सिंपल, सही है। ये करके देखते हैं। अच्छा इससे पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा, दूसरा लॉग इन यूजर वाला भी करते हैं, लेकिन हमें उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, जो हम अपना रिड्यूसर बनाया हुआ ना इसको हम एक काम करते हैं। लेंथ में वन क्यों ऐड किया है, आईडी यूनिक रखूंगा ना जो भी होगी हमारे पास उसमें प्लस कर दूंगा, जैसे अभी करंटली लेंथ जीरो है तो जीरो में आईडी देना चाह रहा, मैं वन देना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट वन हो, हाँ आईडी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं वन से, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वन हमने दे दी, सही सही। अच्छा अब क्या होगा, अब मैं एक काम करता हूँ एक इंडेक्स डॉट टी एस एक्स बना लेता हूँ मैं, सही है। उसमें क्या करा मैंने, मैंने करा इंपोर्ट, जैसे मेरी फाइल का नाम है ऑथ रिड्यूसर, मैंने इसको इंपोर्ट करा फ्रॉम माय ऑथ रिड्यूसर एक्सपोर्ट ऑथ रिड्यूसर, सी। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों किया, अब यहाँ पे ना इसके अलावा हमारे पास रूट रिड्यूसर है जो हम अपने स्टोर में यूज करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंपोर्ट फ्रॉम रिड्यूसर से हमें अपने वो सारे इंपोर्ट करने हैं, सही है, तो ऑथ रिड्यूसर। अब मुझे ना इसका ना अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिड्यूसर है, अभी हमारे पास कितने रिड्यूसर हैं, एक रिड्यूसर है, सही है,
लेकिन अगर हमारे पास अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑथ का बनाया है, मैं किसी और चीज का बनाता हूँ, जैसे कोई टोकन सेव कराना है या कोई किसी पेज का डाटा सेव कराना है, किसी भी चीज का, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि अलग फाइल बनाओ, सही है? तो इस अभी तो हमें वैसे जरूरत नहीं है रूट रिड्यूसर यूज करने की, डायरेक्टली हमारा काम हो जाएगा। एक रिड्यूसर होगा तो आपका काम इजिली हो जाएगा, लेकिन अगर आपका एक से ज्यादा रिड्यूसर होता है, जैसे मैं कहूँ ऑथ रिड्यूसर है, हो सकता है एडमिन का रिड्यूसर बनाना पड़े आपको अलग से, सही? अच्छा, रिड्यूसर क्या है, आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक आइटम की स्टेट मैनेज कर रहे हो वहां पे सिंपली। ऑथ के अंदर आपको पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप किसको मैनेज कर रहे हो, यूजर के स्टेट्स को, आप मिक्सअप नहीं कर रहे पूरे एप्लीकेशन की स्टेट को रिडक्स में। रिडक्स का एडवांटेज ये भी है। सही है? अच्छा, अब हम आते हैं रूट रिड्यूसर पे। यहाँ पे हमें जरूरत क्यों पड़ी रूट रिड्यूसर की भाई? अब मैं चाहू तो इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके डायरेक्ट कर दूं, वरना यहाँ पे जरूरत भी ना पड़े, हम डायरेक्टली अपने स्टोर के अंदर यहीं से इंपोर्ट कर लें, अपने स्टोर में डायरेक्टली इंपोर्ट कर दें। लेकिन मसला क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर हम एक से ज्यादा रिड्यूसर इंपोर्ट यूज करेंगे तो हमें रूट रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, रूट रिड्यूसर क्या होगा, रूट रिड्यूसर में एक हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये इंस्टॉल नहीं हुआ, सॉरी, रिड्यूसर को रिडक्स, कंबाइन रिड्यूसर के नाम से, सही है? अब ये क्या करेगा, मल्टीपल रिड्यूसर्स को कंबाइन कर लेगा एक ही में, सही है? अभी तो आपके पास एक है, सही है? आपके पास एक है, अगर आपके पास मल्टीपल होंगे, आपने सिंपल क्या करना, उसको एक ऑब्जेक्ट में पास कर देना, उसके अंदर ऑथ रिड्यूसर जैसे, फिर कॉमा दे के दूसरा वाला रिड्यूसर, इसी तरह सो एंड सारे के सारे कर देना। अच्छा, इसके अलावा आपके पास दूसरा भी ऑप्शन होता है, मैं ये कहूँ कि भाई देखो, हमने अभी कहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे, तो अगर आपको इम्पोर्ट का तरीका पता है तो आप ये भी कर सकते हो ना कि वहां का जितना भी बिल फर्ज, अभी यहाँ पे एक ही एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 एक्सपोर्ट हुए हैं या 1000 एक्सपोर्ट हुए हैं तो आपको 1000 यहाँ पे इम्पोर्ट भी करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप इम्पोर्ट ऑल एज ऑल रिड्यूसर्स, सही है, फ्रॉम रिड्यूसर्स, आपने यहाँ पे जस्ट पास कर दिया, ये अच्छा है, वो अच्छा था, रिड्यूसर्स ये सर अच्छा है, सही है, आपका ये रिड्यूसर भी इम्पोर्ट हो गया। अच्छा, आप स्टोर को देख लेते हैं, स्टोर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम इसको यहाँ से देखते हैं। मैं क्यों यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, इन्होंने क्या करा हुआ है, रिडक्स को डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर ऐप के अंदर भी बनाया हुआ है, जो कि सही नहीं है। स्टोर हमने एक अलग से बनाया हुआ है, तो हम क्यों उसको यूज करें, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है स्टोर की फाइल, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें तीन चीजें यूज करनी है, एक तो स्टोर है, क्रिएट स्टोर है, वो यूज कर लेते हैं, पहले सिंपल स्टोर बना रहे हैं इसके अंदर ना, फिर आपके पास वो भी यूज होती है जिसके अंदर आप अपने ब्राउजर की मेमोरी यूज कर सकते हो अपने स्टेट को सेव कराने के लिए। अभी क्या होता है, आपके पास जब आप स्टेट या प्रॉप्स यूज करते हो, तो जब आपका एप्लीकेशन रिलोड होती है तो आपकी स्टेट या जो प्रॉप्स होता है वो इनिशियल स्टेट में चला जाता है, ऐसा ही है जी, इनिशियल स्टेट में चला जाता है। सेम यही काम हमारे रिडक्स में भी होगा कि जब हमारा पेज रिलोड होगा ना, तो हमारा पेज जो है, जो रिडक्स है, वो इनिशियल स्टेट में चली जाएगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर अभी 10 यूजर्स रजिस्टर करे, और मैं क्योंकि डेवलपमेंट कर रहे हैं हम,
जैसे ही डेवलपमेंट करें कोई चेंजेस करी वो रिलोड होगा और यूजर चला जाएगा उसमें से, हमें बार बार यूजर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, ये ना परसिस्टेंट स्टोरेज यूज करता है अपने ब्राउजर की, उससे क्या होता है वो अपने ब्राउजर में सेव कर लेता है डाटा। जब तक आप खुद क्लियर ना करो इसका फंक्शन, कोई कॉल ना करा के क्लियर कराओ, ये क्लियर नहीं होती। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको लोकल स्टोरेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिडक्स साथ ही ऑटोमेटिकली करता है खुद ही। तो ये अच्छा, प्रोवाइडर की हमें जरूरत नहीं है, रिड्यूसर हमने एक्सपोर्ट करा लिया, हम इम्पोर्ट करा लेते हैं रिड्यूसर। एक मिनट, ये क्या दे रहा है भाई, रिड्यूसर डिक्लेयर बट इज वैल्यू यूज हो जाएगी। इम्पोर्ट आप कह लो ऑल रिड्यूसर्स, किस तरह हमने करा हुआ है, रूट ऑल रिड्यूसर से, मैं इस या रूट रिड्यूसर कर लो इसको, रूट रिड्यूसर फ्रॉम रूट रिड्यूसर से, और कॉन्स्टेंट स्टोर इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर, और यहाँ पे हम भेज देते हैं ये, सही है, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं स्टोर। सही है, यहां तक समझ में आया, ये बाउंसर गया है। सर वीडियो दोबारा से देखिए तो इन समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सर ये स्टोर में, ये क्रिएट स्टोर में वो क्यों आ रही है लाइन, ये पता नहीं क्यों आ रही है, इसकी तरफ से ही आ रही है, हमारे वीएस कोड की तरफ से, मतलब इसका कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है ये। सर इसमें क्या हम स्टेट यहाँ पर बना रहे हैं कि जो कांस्टेंट हमने स्टोर जो बना रहे हैं इसमें? हाँ, हम स्टोर बनाया हमने, इसी के अंदर रह जाएगी हमारी सारी स्टेट इस स्टोर में। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल तो पूछ ले अगर है तो, कोई सवाल। एनीवन? तो स्टोर में हमारे पास रूट रिड्यूसर से थरी रिड्यूसर्स आ रहे हैं, रूट रिड्यूसर, हाँ हमने रूट रिड्यूसर बनाया है ना जी, तो सर स्टेट में एक्चुअली हमारे पास क्या चीज है, इसमें रिड्यूसर्स आ रहे हैं और रिड्यूसर में हमारे पास थी जैसे हमने एक ही रिड्यूसर अभी बनाया हुआ था ना, ऑथ रिड्यूसर। अच्छा देखिए, उसके अंदर हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया था रिड्यूसर का और इंटरफेसेस बनाए थे, स्टेट तो कोई नहीं रखी थी उसमें। स्टेट हमने रखी है ना, क्यों नहीं रखी है? जैसे हम क्रिएट स्टेट करते थे और वो बनाते थे, वो तो नहीं है ना, वो यूज नहीं होगी, वो यूज नहीं होगी जब आप रिडक्स यूज कर रहे हो तो यूज स्टेट यूज नहीं होगी। अच्छा, ये याद रखिएगा, सही है जी, जब आप रिडक्स यूज कर रहे हो तो आपकी क्रिएट वो यूज नहीं होगी कभी भी। ओके सही जी। और एक और चीज बताऊं कि री रेंडरिंग इसमें भी होती है, तो हम क्योंकि हम हुक्स के अंदर हैं, हम हुक्स के अंदर रहते हुए ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो जो काम हमारा यूजर स्टेट के साथ होता था वो काम हमारा इसके साथ भी होगा, लेकिन कैसे होगा? अब आपने सिंपल करना क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये उठा के रख देना। अच्छा अभी मैं आपको बताऊं, स्टोर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टोर के अंदर दो तीन चीजें हैं बाकी जो मैं अभी कराऊंगा, सही है, लेकिन हो सकता है अभी हमें जरूरत ना पड़े तो हम उसको देखते हैं, पहले इसको चलाते हैं। हम आते हैं अपनी ऐप में, सही है, ऐप में आने के बाद अब हमने क्योंकि जो स्टोर बनाया हुआ है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम /store, सही है। अच्छा अब एक काम हमने करना था,
यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने जब रिएक्ट यूज कर रहे थे, इन्होंने कुछ यूं करा होता कि प्रोवाइडर के अंदर ऐप पास कर थी, मतलब रैप कर दिया था ऐप को प्रोवाइडर के साथ। तो हमारे पास ऐप तो है नहीं, हम इस कंपोनेंट को रैप कर देते हैं अपने किसके साथ, प्रोवाइडर के साथ। तो प्रोवाइडर हम यहां से इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट रिडक्स से हम इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर। अच्छा, मैंने दो लाइब्रेरी इंस्टॉल कराई हुई थी, याद है आप लोगों को, एक रिएक्ट रिडक्स दी थी और एक रिडक्स दी थी, यस सही है। तो जी रिडक्स का तो हमने यूज कर लिया था, रिएक्ट रिडक्स का सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो प्रोवाइड करने के लिए भी है लेकिन इसके अलावा भी है। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर, और इस प्रोवाइडर में हम ये पास कर देते हैं, और यहाँ पे मैं स्टोर में स्टोर पास कर देता हूँ। भाई यहां तक क्लियर है सबको? ये हमारा अब जो एप्लीकेशन है रैप हो चुकी है रिडक्स के साथ। अच्छा, कैसे चेक करेंगे? ये कुछ एरर दे रहा है, ऑथराइज्ड रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन इफ द स्टेट पास इनिशियल। ओहो, अच्छा अब देखो एक मसला ये हो गया। मसला क्या हुआ, जब मैंने रिड्यूसर बनाया बनाया तो इसमें हमें एक चीज और पास करनी होती है, वो होती है डिफॉल्ट, सही है। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, हमें डिफॉल्ट स्टेट रिटर्न करा देंगे। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ डिफॉल्ट और रिटर्न, सही है, और हमारे पास जो भी स्टेट है ये हमें लाजमी देना पड़ता है, अदरवाइज यार जैसे आप अभी आपके सामने एरर दिया, अब ये आएगा नहीं, सही है। वजह पता है क्या है, आपकी रिड्यूसर जो है वो चेक कर रहा है कि भाई ये केस है, हमने तो केस अभी तक ट्रिगर ही नहीं कराया है, तो इसके अलावा तो ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। आपका फंक्शन को क्या है, रिटर्न करना है, रिटर्न आपने फिर बाय डिफॉल्ट क्या करा, जो इनिशियल स्टेट थी वो ही रिटर्न करा दी, सही है। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पे रजिस्टर के फंक्शन पे। ओके, अब हमारे पास रजिस्टर के फंक्शन में दो चीजें हमें इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं वो फंक्शन जो हमने वो एक्शन जो हमने क्रिएट करा था उसके लिए, आपके रजिस्टर के यूजर यूजर को रजिस्टर करने के लिए, सही है। तो आपके पास स्टोर होगा, ओके, और यहाँ पे आपको एक्शन आ जाएगा, एक्शन के अंदर आपके पास ऑथ एक्शन है, ऑथ एक्शन से आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या गेट करना है, रजिस्टर यूजर। अच्छा अब एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, वैलिडेशन हमने चेक करनी है, वैलिडेशन चेक कर लेते हैं हाथ क्या आती, सही है। हमारे पास वैलिडेशन में क्या क्या आ रहा है, वैल्यूज के अंदर आ रहा है, फुल नेम आ रहा है। अच्छा ये वैलिडेट खुद ही कर रहा होता है, कैसे कर रहा हो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये खुद ही वैलिडेट कर रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे भी वैलिडेट लगा सकते हो ऑन फिनिश पे। जैसे मैं यहाँ पे ये चेक करता हूँ, अगर इफ वैल्यूज डॉट फुल नेम अनडिफाइन है फॉल्स है, या इफ वैल्यूज डॉट ईमेल फॉल्स है, या वैल्यूज डॉट पासवर्ड फॉल्स है, या वैल्यूज डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 6 है, सही है। ये तीन चीजें मैंने भेज दी, ये क्या एरर दे रहा भाई, वैल्यू कैन नॉट अप्लाई टू बूलियन, लेंथ बूलियन कब होता है भाई। डॉट पासवर्ड डॉट लाइन, अच्छा अब इसके ब्लॉक में है ना, इसकी कंडीशन में है। नहीं, एक काम करते हैं, हमने
इंटरफेस जो बनाया था यहाँ पे, हाँ इसको यहाँ पे कॉपी मैं एक काम करता हूँ, यूटिल्स के अंदर इस पे एक वो बना लेता हूँ। एक यूटिल्स का फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर एक इंटरफेसेस का बना लेते हैं, इंटरफेसेस डॉट टीएसएक्स। ओके, और यहाँ पे हमने जो इंटरफेस बनाया हुआ था, एक्शन तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने यूजर्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सही है, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। अब हमें यूटिल्स के अंदर से और यहाँ से इंटरफेसेस, इंटरफेस, और ये हमारे पास यूजर आ गया। सेम हम कॉपी कर लेते हैं इसी लाइन को और रजिस्टर के अंदर यही चीज हम पेस्ट करते हैं। और क्या होता है अगर मैं ये यहाँ पे भेजूंगा तो ये अब सर पहले इम्पोर्ट में सही करना नहीं, है। मेरी गलती ये है कि मैंने यहाँ पे बूलियन लगाया हुआ था। बहरहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर मैंने डाल दिया इसमें यहाँ पे ना। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं एनी कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं। एक मैसेज करा सकते हो या एरर करा सकते हो, नोटिफिकेशन करा सकते हो। एनडी का एक और कंपोनेंट है मैसेज के नाम से, तो मैसेज डॉट एरर और ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ये ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड। एल्स इफ, इसको मैं एल्स इफ में डाल देता हूँ कि भाई अगर फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी तो ये आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आएगा। पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू सिक्स। ग्रेटर देन 5 लिख जस्ट। एटलीस्ट 6 करेक्टर्स मस्ट बी एटलीस्ट 6 करेक्ट है, चलो वो कर देते हैं एटलीस्ट 6 करेक्टर। सही है। अच्छा मैं अभी इसको रूल हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो अब देखना है क्या होगा ये। कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड आ गया क्योंकि नल है। मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ, यहाँ से पासवर्ड को लेस देन कर देता हूँ। पास पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 करेक्टर से, तो पासवर्ड का रूल हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करते हैं, ये रजिस्टर यूजर का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सही है, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर क्या डाटा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब वो डाटा, ये देखो ये आ रहा है फुल नेम ईमेल पासवर्ड, और हम अपने सॉरी यूजर को यही पास कर रहे थे ना।
ऑथ एक्शन में भी हमारे जो यूजर है इसको भी हम ये इंटरफेस पास कर सकते हैं जो हमने इंपोर्ट करा था, इंपोर्ट फ्रॉम ओके क्या था हमारा यूटिल्स था ना, यूटिल्स इंटरफेसेस, अच्छा और यूजर्स, अच्छा एक चीज और कर देते हैं हम यूजर के अंदर, एक्सपोर्टिंग, अच्छा ये कोई एरर दे रहा है, री एक्सपोर्टिंग अ टाइप व्हेन आइसोलेटेड इज अनेबल रिक्वायर यूजिंग टाइप, अच्छा मैं कहता हूँ मेरा ईमेल रिक्वायर्ड होगा हमेशा और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा हमेशा, तो क्या होगा वो जब भी वो जाएगा तो ईमेल और पासवर्ड हमेशा चेक करेगा रिक्वायर्ड है। अच्छा आप चेक करते हैं इसका नाम हमारा रजिस्टर था, अब चेक करते हैं अपने थैंक्स फुल नेम मंसूर पासवर्ड व्हाट दिस इज पासवर्ड, पासवर्ड देख लेते हैं क्या है पाकिस्तान है सही है। अब मैं फंक्शन कॉल करने लगा हूँ देखो क्या होता है, कुछ हुआ अच्छा कैसे पता चलेगा, रिड्यूसर में आते हैं हम और स्टेट चेक करते हैं अपनी यहाँ पे आएगा अगर कोई कंसोल आएगा तो, ये तो कोई स्टेट क्या है अभी नल है, अब देखो स्टेट कॉल ही नहीं हुई यहाँ पे स्टेट नहीं आ रही, मतलब ये कि हमारा ये सही तरह कॉल ही नहीं हुआ फंक्शन ऐसे ही है या नहीं, देखो इनिशियली जब मैंने इसको लोड करा तो इसने यहाँ पे स्टेट दिखा दी, इसका मतलब ये है कि हमारा रिडक सही इंटीग्रेट हुई हुई है, लेकिन जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो ये क्या हुआ है इसके अंदर ये रिटर्न नहीं करा रही। सर ये एक्शन में है ये कोई बात? जी एक्शन के अंदर है, देखो एक्शन से यहीं पे आएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है डिस्पैच, क्या यूज करोगे आप dispatch. अच्छा डिस्पैच आप डायरेक्टली भी, जैसे मैं अगर रजिस्टर में हूँ यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं डिस्पैच, कहाँ से इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट हमें रिएक्ट रिडक से करनी पड़ेगी, मैंने आपको बोला था कि हम रिएक्ट रिडक इंस्टॉल करिए मगर हमने यूज एक ही जगह करा है तो उसके अब यूज करने का टाइम है, यूज डिस्पैच करके हम यूज कर लेंगे और इसको इसका फंक्शन एक वेरिएबल बना लेंगे डिस्पैच के नाम से जो हमारा हमारे एक्शन को डिस्पैच करेगा सही है। अब आपका अब चेक करते हैं डिस्पैच कराएंगे, अब ये डिस्पैच में पास कर देंगे हम, हमने ये फंक्शन एक्शन को किस में पास करा डिस्पैच में, अब चेक करते हैं मंसूर हुसैन ठीक है आ रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू ऑथ रिड्यूसर डॉट टी एस एस कॉम्बिनेशन डी एस एल, इसने यहाँ पे एरर दे दिया लाइन नंबर 13 पे, एक काम करते हैं इसको फिलहाल के लिए स्टॉप रोकते हैं
और हम रजिस्टर यूजर में जाते हैं और देखते हैं हमें रजिस्टर यूजर में वो रजिस्टर यूजर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कॉल ही नहीं हो रहा। ऑथ रजिस्टर 340। ओ सॉरी, हमें कहाँ से मिलेगा? हमें तो मिलेगा एक्शन से। एक्चुअली ये कॉल हो रहा है, हमें पता नहीं चला। ये देखो एक्शन में आया, ये दोनों चीजें आई नहीं आई। पेलोड आ गया, पेलोड में ईमेल आ गया, टाइप आ गई। अच्छा अब हम आते हैं वापस यहाँ पे। एक गलती हमसे हुई थी, वो गलती क्या हुई थी, हमें स्टेट डॉट यूजर्स जो हैं यहाँ पे एरर मार दिया था इसने। तो हमें क्या करना है कि इसको अगेन टेस्ट करते हैं, एक्शन डॉट पेलोड वैल्यू इज नॉट आइटरेबल। ये यूजर्स होंगे तो स्टेट एनी, और इसमें एक और पास करता हूँ मैं यूजर्स, सही है। मैंने अभी फिलहाल के लिए स्टेट के अंदर यहाँ वाली ये पास कर दिया, या एक इसका इंटरफेस बना लेते हैं फिलहाल, अभी के लिए मैंने डायरेक्ट ये कर दिया, सही है। अब ये चल जाएगा। अभी देखो स्टेट 0 आ गई, अब चेक करो फिर से स्टेट कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि मैंने ये इंसर्ट कर दिया है। अभी मैं फिर से इंसर्ट करूंगा, अभी देखो हमारी स्टेट बढ़ती जा रही है, कितनी हो गई, अब सारे आ गए यहाँ पे, इंसर्ट होते जा रहे हैं। ये चीज समझ में आई, जैसर के ऊपर से गई। सर आप एक दफा थोड़ा सा रिपीट सर जरा सा कर दें। देखें कहां से रिपीट करूं, मुझे बताएं किस जगह से स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं मुझे बताएं, मैं फिर वहां से। ये आपने फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी जरा लॉजिक बता दें कि फॉर्म से जब डाटा आता है उसके बाद फिर ये जो रिडक्स का स्टोर है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसकी हायरार्की क्या है, ये थोड़ा। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, देखें वो क्या रहा है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने क्या करा, प्रोवाइडर के अंदर स्टोर पास कर दिया। सबसे उल्टा देखते हैं, हमने स्टार्ट से एंड करा था, अब एंड से स्टार्ट करते हैं, सही है। स्टोर पास करा, अब स्टोर में क्या है, देखें अब जो डाटा है ना वो सारा स्टोर में जा रहा है, अब स्टोर में क्या है। अच्छा स्टोर का डाटा सारा रिटर्न जो हमारे कंपोनेंट्स में मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, स्टोर के जरिए मिलेगा। स्टोर में क्या आ रहा है, स्टोर हम क्रिएट कर रहे हैं किसके जरिए, रिड्यूसर्स के जरिए, क्लियर है ये बात यहाँ तक है जी। अच्छा रिड्यूसर्स में क्या है, रिड्यूसर्स में हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं, हर रिड्यूसर का एक फंक्शन है जो अपनी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, आप ये समझो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है हर रिड्यूसर अपनी टाइप का। मैं जैसे यूजर्स की बात कर रहा हूँ तो वो यूजर का सारी प्रॉपर्टीज और डाटा रखेगा। अगर मैं बात करता हूँ जैसे ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स के अंदर आपको मैं ये कहूं कि यार एक मिनट मेरा इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट होगा 2 मिनट के लिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, अच्छा मैंने लैंड डिस्कनेक्ट करा था। तो सिंपली होता क्या है, यहाँ पे ऑथ रिड्यूसर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यूजर्स की बात करी, मैंने एक फंक्शन बनाया उसके अंदर
मैंने यूजर्स की प्रॉपर्टीज बता दी कि भाई यूजर की ये केस आएगा तो आपने ये काम करना रिटर्न में, और ये केस आएगा तो ये करना ही। जितने भी केसेस होंगे वो सारे मैं रिटर्न करते जाऊंगा। अभी तो एक ही केस मैंने बनाया है यहाँ पे और दूसरा हमारा डिफॉल्ट है, सही है। अब ये आ कहाँ से रहा? ये आ रहा है एक्शन से। अच्छा, एक्शन और इसका कोई लिंक ही नहीं बनता, हमने देखा ऐसा ही है। ये एक्शन एक्शन तो एक्चुअली हमने कहीं यूज ही नहीं करा। अगर मैं बात करता हूँ रिड्यूसर की, तो मैंने इसको इंपोर्ट करा है यहाँ पे और यहाँ से एक्सपोर्ट करा है। अब यहाँ पे इंपोर्ट करके इसका कंबाइन रिड्यूसर के फंक्शन में डाला है और इसको इंपोर्ट करा है यहाँ पे और उससे क्रिएट अपना स्टोर क्रिएट करा है, और इस स्टोर को हमने यूज कहाँ कराया है? यहाँ पे। ये तो आपस में लिंक है, सही है, रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर, स्टोर और प्रोवाइडर, लेकिन हमारा एक्शन कहीं लिंक नहीं हुआ, ऐसा ही है। हम जो एक्शन कॉल कर रहे हैं वो तो कहीं लिंक ही नहीं हुआ रिडक्स से हमारी, तो हमारा एक्शन कॉल कैसे हो रहा है? फिर वो कॉल हो रहा है, देखिए हमने क्या यूज किया था यहाँ पे, हमने रिएक्ट रिडक्स का प्रोवाइडर यूज करा था, तो हम रिएक्ट रिडक्स का ही एक और मेथड यूज कर रहे हैं, हुक यूज कर रहे हैं एक्चुअली, जिसका नाम है हमारा यूज डिस्पैच। ये यूज डिस्पैच क्या करता है? वो डिस्पैच करता है उस फंक्शन को रिड्यूसर के अंदर या स्टोर के अंदर, आप कह लो, सही है, बल्कि रिड्यूसर में डिस्पैच करेगा। और अच्छा, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हाँ, इसने जब डिस्पैच करा ना इसको, अच्छा ये अब दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं। सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है अब देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर हमने ये वैल्यू पास करी। अब मैं अगर इस फंक्शन में जाके देखूंगा तो इस फंक्शन ने भी एक अलग ही काम करा हुआ है। इसने जैसे ही वैल्यू रिसीव करी, इसने फौरन क्या करी, इसको अपडेट करके क्या करा, इसने सिर्फ उस जो भी वैल्यू मिल रही है उसमें वैल्यू पास करी और बोला जो मेरी टाइप ये है, सही है। इसने क्या करा, उसके अंदर टाइप भी बता दी, ऐसे ही है यस सर, क्लास, जी सर ऐसी है, समझ में आ रहा है ये चीज रिडक्स? यस सर। रोजा लग रहा है या लगने लग गया? कॉम्प्लिकेटेड सर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लोजर तो नहीं है, लग रहा। सर ऐसे ही होता है, तभी मैंने रिडक्स मैंने एंड में यूज रखने के, तभी वो जो मैं हुक्स रिडक्स देखे एंड ना में रख वो रहा था। सिस्टम नहीं नहीं ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है तो पहली दफा जो चीज मतलब सामने से नहीं गुजर रही है तो नहीं उसकी शुक्र थी। हाँ, टाइम लगता है हमें भी, जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमें भी, आप ये समझो कि नींद आ गई थी, समझ में और नहीं आ मैंने रहा। इसके हुक्स, मैंने ये काम हुक्स की मदद से देखा हुआ है, वो उसके मुकाबले में ना 50% कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफी आसानी है हुक्स अच्छा में। अभी मैं आपको बताऊँ एक और चीज मजे की, जब हमने पढ़ा था क्लास कंपोनेंट में रिडक्स ना, वो ज्यादा मुश्किल था, हुक्स वाला तो इजी है, जी वो उससे भी ऊपर की फिल्म थी। उसके अंदर तो हुक्स यूज ही नहीं हो रहे थे, उसके अंदर आप एक कनेक्ट का मेथड होता है, इसमें आता है, इसको अपने फंक्शन के साथ रैप करते हो और उसमें आपने दो चीजें भेजनी है, मैप, अब मुझे नाम मैप भी याद स्टेट नहीं, टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। हाँ कुछ इस तरह के दो दो आप भेज सकते हो, आपको एक भेजना लाजमी होता है, एक तो आपका प्रॉप्स के लिए होता है और दूसरा आपका, स्टेट के फिर लिए इसके अलावा आपका डिस्पैच भी मिलता है आपको प्रॉप्स के अंदर। अच्छा तो यहां तक क्लियर है सबको? यहाँ पे थे हम। अब देखिए मैं डिस्पैच जो कर रहा हूं ना, इससे पहले एक काम करते हैं, डिस्पैच नहीं करते हम, डिस्पैच से पहले एक काम करते हैं, लेट डाटा इक्वल्स टू, ये मैंने करा और इसके अंदर मैंने क्या करा, डाटा को कंसोल करा दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हो क्या रहा है। मैंने आपको बोला एक्शन जो है हमारा कहीं भी स्टोर से हमारा लिंक नहीं हुआ या रिड्यूसर से कहीं भी लिंक नहीं हुआ, तो फिर एक कॉल कैसे हो रहा है?
देखो मैंने अभी कॉल नहीं करा, मैंने क्या करा जो हम एक्शन कॉल कर रहे हैं ना उसका जो भी डाटा आ रहा है वो मैंने इसमें सेव कराया और इसको मैंने कंसोल करा दिया। देखते हैं क्या होता है। देखो अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही कॉल कराया ना इसने मुझे ऑटोमेटिकली क्या करा रिटर्न करा दिया, और यहाँ पे जो भी मुझे डाटा रिसीव हुआ यहाँ पे मेरे पास आ गया। हमने तो पे ये भेजा था ना, हमें उसने सिर्फ टाइप बता दी कि भाई ये टाइप क्या है, रजिस्टर यूजर है, आपने अगर मेरे फंक्शन को कॉल करा है तो इसकी टाइप है रजिस्टर यूजर। सही है। अब जो डाटा रिटर्न हुआ है ना वो जाएगा डिस्पैच के फंक्शन के अंदर, और डिस्पैच क्योंकि रिडेक्ट रिडक्स से कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइडर के थ्रू स्टोर के रिड्यूसर में चला जाएगा, और वहां से ये टाइप के जरिए चेक होगा कौन सी टाइप है स्टेट की जो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे अपना यहाँ पे, कि कौन सी टाइप है स्टेट की एक्शन के अंदर आ गई। जी जी बोले। रजिस्टर यूजर है ना टाइप की, हाँ टाइप पूछ रहे। रजिस्टर यूजर है। अच्छा जब रजिस्टर केस हमने बात करी है तो जब रजिस्टर यूजर केस होगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा हमारे पास सर आपके ब्राउजर पे रिडक्स डेव टूल की एक्सटेंशन है, तो अगर वो चला के दिखा दें तो और अच्छे से समझ में मेरे ख्याल से आ जाएगी। हो गई ये हाँ ये है ना। डिसेबल हुई है। अच्छा सर एक्सटेंशंस में जाके उसको एनेबल करिए, वो डिसेबल हुई। इसमें देख लेता हूँ, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे भी डिसेबल हुई है। हाँ सर एक्सटेंशन का टैब खोलें, वहाँ पे ये ना इनेबल हो जाएगा। याद हो रही है यहाँ पे। ब्राउज़र अरे एक दफा अपडेट करके देखें सर। यार सारा इसको डायरेक्टली ट्राई कर लेते हैं। अच्छा हो गई है, हैज बीन एडिट टू क्रोम। स्टिल ये यानी हाँ नहीं हो रही, ओके सर ये सर आप टैब देखें आपके पास आ रहा है इसका, जहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं अच्छा ना। सर सही है सही है सही है, यहाँ पे आएगा ना वो तो जी सर। ये ना नहीं, ये तो प्रोफाइलर है। ये रहा। रिडक्स यस ये नहीं ये तो कॉल नहीं हो रहा, सर आप एक एक्शन कॉल करेंगे तो वो एक्शन में दिखाएगा ना सर। नहीं हो रहा ना, देखो ये कनेक्टेड ही नहीं है। आई थिंक अब वो है, कनेक्टेड। हाँ हुआ हुआ हुआ। अब वो है। कोई मसला है सर, मुझे लग रहा है आपके इसमें ना यार रिडक्स इसका तो मुझे नहीं एक्सटेंशन में। पता क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। अच्छा सर, सर देखिएगा बड़ी काम की चीज़ है ये, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है इससे। यार मेरा नहीं ख्याल कंसोल से बड़ी काम की चीज कोई है। सर टाइम कंज्यूम होता है थोड़ा, इससे बच जाता है। अच्छा बहरहाल अब यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा देखो आईडीज वगैरह भी हमारी अपडेट हो रही होंगी ये देखो। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अभी तो ऐसे ही जा रहा है, एक कंडीशन लगा देते हैं। हमें ये करना है कि भाई हमें सर वो काइंडली टाइप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। आप देख लेंगे वरना। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, मगर फिर भी हम आए तो सारे पाकिस्तानी ना। नहीं ये पासवर्ड मैं डेवलपमेंट में यूज करता हूँ, प्रोडक्शन वाले पासवर्ड मैंने किसी को नहीं बताया।
अच्छा चले एक काम और करते हैं हम। अच्छा यहाँ पे ना कॉल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक काम हम करते हैं, हमें ना यूजर्स गाइड करने हैं सबसे पहले। अब ये जो यूजर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे स्टेट के अंदर, अब हमें ये गेट करने हैं, हम किस तरह गेट कर सकते हैं, और हमें क्या कराना है, हमें चेक कराना है कि भाई क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। तो हम बोलेंगे कि भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज क्रिएट अ डिफरेंट, प्लीज यूज अ डिफरेंट ईमेल से, या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का एक हम मैसेज पास कर देंगे। अच्छा अब क्या सीन है कि हमें जो स्टेट है रिडक्स की, उससे डेटा किस तरह हम फैच करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट हम सेलेक्टर क्या करेंगे, मुझे बताओ आप, का आप ही यूज बताओ। सेलेक्टर यूज करेंगे अच्छा आप जॉब वगैरह भी करते हो? जी सर। जॉब करता हूँ अच्छा कहाँ पे? जी सर, निजम में, कराची कहाँ पे? डिफेंस। एज अ फुल स्टैक डेवलपर और यस सर फ्रंट एंड रिएक्ट पे? गुड जी सर। है यार। अच्छा अब क्या करना है, हमें यूज सेलेक्टर यूज करना है यहाँ पर हुक। अच्छा इसके अंदर क्या होता है, हमें इसके अंदर मिलती है स्टेट, और स्टेट में एनी कर देता हूँ, सही है। और अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, स्टेट डॉट, अच्छा अब डॉट हमें मिलेगा ऑथ रिड्यूसर, ऑथ रिड्यूसर डॉट यूजर्स, यूजर्स आपका आ गया। अब मैं इसको कंसोल करा के देखता हूँ कि हमें यूजर्स में अब क्या मिल रहा है यहाँ पे। यूजर्स अभी हमें नल मिल लिए, नल मिल रहे हैं, यूजर्स आ गए यहाँ पे, देखो फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें फुल नेम पासवर्ड और ईमेल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एक काम और करते हैं हम कि इसी को मैप करा देते हैं और रिटर्न करा देते हैं हम वी डॉट ईमेल, सही है, और इसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग अरे टाइप, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट, अभी फिलहाल एनी कर देते हैं इसको, ऐसे ही यूजर्स यूज करने से। अच्छा अब देखते हैं हमारे पास अब ईमेल आ रही है सर, सर सही है, सॉरी हमारे पास ईमेल आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट ईमेल चेक करानी है, हम किस तरह चेक करा सकते हैं, आपने कोई फंक्शन पढ़ा होगा आपको याद हो अगर, कि हमें ईमेल जस्ट चेक करानी हो तो किस तरह चेक करोगे आप, कि क्या या ईमेल हो गई या कोई प्रॉपर्टी अगर किसी एरे में से चेक करानी है तो क्या चेक, किस तरह चेक करोगे आप? आइडिया इसकी कंडीशन लगा के कर सकते हैं। इफ की कैसे लगाओगे मुझे बताओ। सर इंडेक्स ऑफ, हाँ इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे, सही है, या इंडेक्स ऑफ का एक जी एरे का मेथड होता है वो यूज करेंगे हम, सही है। एक काम ये करते हैं हम कि इसको
वैल्यूज डॉट ईमेल को जो भी मिल रही है हमें, सबसे पहले उसको क्या कहते हैं हम, वैल्यूज डॉट ईमेल डॉट टू लोअर केस कर देते हैं, टू लोअर केस। अब क्या होगा, अगर कोई कैपिटल में भी ईमेल ऐड करेगा तो हमारे पास स्मॉल में ही आएगी, तो हमें मैच करने में आसानी हो जाएगी। सही है, एक स्टैंडर्ड रख दिया हमने। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि इफ यूजर्स यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ हो गया, मैं ज्यादा इंडेक्स ऑफ यूज करता हूँ ना, आप इंक्लूड्स भी आई थिंक यूज कर सकते हो। सही है, इंडेक्स ऑफ वैल्यूज डॉट ईमेल। अच्छा आगे क्या लिखना है यहाँ पे, बस यही लगाना है। इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, अगर नहीं मिले तो माइनस वन करेगा, रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर माइनस बराबर है इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, अगर मिलेगा तो माइनस वन नहीं देगा। सही है, तो मैंने क्या कहा, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, तो हम मैसेज डॉट एरर चला देते हैं। जब रिटर्न करूंगा तो मुझे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट with this email, okay? अब देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते पूरा ना, अभी नहीं आ रहा, मैं मंसूर हुसैन कर लेता हूँ। मैं गलती से दो बार इसको प्रेस कर देता हूँ ना, एक दो, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। सही है, अब मेरे पास यूजर आ गया। अब मैं इसको अगेन ऐड नहीं कर सकता, हाँ मुझे ईमेल चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं जाता हूँ लॉगिन पे, सही है, अब हम आते हैं लॉगिन वाले काम पे। हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हमें जरूरत पड़ेगी रिडक्स की लॉगिन के अंदर। हम रिडक्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिस्पैच करने के लिए। सही है, अभी रिएक्ट यूज इफेक्ट की जरूरत नहीं है हमें, और यहाँ से भी हटा देते हैं हम, हटा दिया ऑलरेडी, हटा दिया। अच्छा इसके अलावा क्या था हमारा, एक्शंस में से हम अपना एक्शन यूज कर लेते हैं, लॉग इन यूजर। सही है, लॉग इन यूजर, सेम वैलिडेशन हमने जो लगाई थी यहाँ पे वो यूज कर लेते हैं ऑन फिनिश पे। और जस्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड। सही है, ये दोनों चीजें आ गई आपके पास। अब आपको डिस्पैच यूज करना है, आपने डिस्पैच यूज कर लिया। अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन यहीं पे लगा रहे हैं डिस्पैच करने से पहले, वरना हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं डिस्पैच, लेकिन बेहतर यह है कि अब यहीं पे हम कंडीशन लगा लें। तो अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे आ गया था ये चीज, हमारे पास सारे के सारे यूजर्स आ गए। अच्छा अब हमें यहाँ पे मैप का चलाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूजर्स गेट करने हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो हम यूजर गेट कर लेंगे, लेकिन हमें यूजर की वो बना ली ना कि करंट एक्टिव यूजर कौन है, तो हम उसके अंदर, हमने एक्शन में तो ऑलरेडी बनाया हुआ यूजर। सही है, रिड्यूसर में आते हैं और हम अपने केस देखते हैं लॉग इन यूजर। तो सिंपली क्या करो, आप को एक बार बार लिखने की जरूरत नहीं, केस उठाया कॉपी करा, कॉपी पेस्ट जस्ट लॉग इन यूजर भैया। और अब आपको करना ही क्या है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। सही है,
अब यूजर्स नहीं है आपके पास, सही है, आपके पास अब आएगा यूजर, सही है, और आपका एक्शन डॉट पेलोड आ जाएगा। अब यूजर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड। और फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक काम और करते हैं, हम अपने हेडर में यहाँ पे ना, यूजर्स हमारा है एनी कर देते हैं। अच्छा स्टेट के अंदर से हमारे पास अब यूजर्स नहीं आएगा, यूजर आएगा क्योंकि हमारे पास एक यूजर है, सही है। अच्छा अब मैं एक यूज इफेक्ट भी बना देता हूँ, यूज इफेक्ट, अच्छा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ जब भी ये पेज लोड होगा, हमारा मेन पेज है, कि यूजर सिंपली हम अपने आसानी के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट तो यूट्यूब से ट्राई करते हैं, ये नहीं आ रहा है, मैं इंपोर्ट कराऊंगा यूटिल्स, सही है, और इंटरफेसेस यहाँ पे हम यूजर्स कर लेते हैं, अच्छा इसकी जगह हमने यहाँ पे ये कर दिया है यूजर, इफ यूजर डॉट, अब ये बता रहा है आईडी, मैंने बोला अगर आईडी फॉल्स है तो क्या करो इसको, हम लोग क्या कर रहे थे, यूज हमने क्या किया था, लोकेशन यूज करा था ना नेक्स्ट का, रिडायरेक्टली। नो हमने यूज करा था यूज राउटर फ्रॉम टेक्स्ट स्लैश राउटर, सही है, और इसको हमने क्या करा था, राउटर एक इनिशियलाइज कराया था राउटर, और इस राउटर के अंदर हमने क्या करा था, रिटर्न कराया था राउटर डॉट एक सॉरी पुश पुश कर देंगे हम, कहाँ पे पुश करेंगे, स्लैश लॉग इन पे, अच्छा एरर दे रहा है रिटर्न केस से, रिटर्न हटा देंगे तो एरर नहीं देगा, सही, रिटर्न क्योंकि हमने मैं आपको बताया था कि वो जब कंपोनेंट जो है अनमाउंट होता है तब कॉल होता है। अच्छा अब क्योंकि अब हम आते हैं अपने होम के पेज पे आने की कोशिश करते हैं, ये क्या हुआ, थोड़ा देर से आया लेकिन आ गया, सही है, यूज इफेक्ट में यूज करें, हो सकता है हमें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में यूज करना चाहिए, बहरहाल अभी ऐसे ही चलते हैं। अब क्या हुआ, ये यूजर्स में ले आया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक डिस्पैच करा देना है, जो यूजर्स आएंगे उसको डिस्पैच करा देना है, और उससे पहले एक काम और करना है जो हमने रजिस्टर में करा था, values.email,
लोअर केस हमने कर दिया और इसको डिस्पैच करा दिया लॉग इन यूजर में। सही है, लॉग इन यूजर आपका आ गया और लॉग इन यूजर में वैल्यूज पास करा दी। ये आपने दो काम कर दिए और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वही चीज करनी है, राउटर गेट कर लेना, इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर। यूज राउटर कॉन्स्टेंट राउटर कोशिश यही किया करें ये सारी चीजें जो है ना। अच्छा, इनको तो आप कहीं और बना के यूज नहीं कर सकते। इनका आसान तरीका ये है कि अगर आपको ग्लोबली एक्सेस करना है, या तो आप इनको मेन फाइल में बना के प्रॉप्स में पास कर दो एक्सेस करने के लिए, वरना अदरवाइज आपको इसी तरह करना पड़ेगा। आप कॉन्स्टेंट में इनको बना नहीं सकते असल में। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देन उसके बाद राउटर डॉट पुश, देन होम में पुश करते हैं हम। सही है, हम एक मिनट, हमने तो मैच ही नहीं कराया यूजर यार। मैच कराना है। मैच कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। मेरे पास यूजर्स हैं, मेरे पास दोनों की ईमेल है, फिर क्या कराना पड़ेगा? कोई इंडेक्स ऑफ करेंगे, फिर ऐसा इनबूट से भी कर लेके सकते हैं। क्या एरे में लेके, और उसको करके? सर एरे में तो ले रहे हैं ना यूजर्स को, हम उसमें से इसको यूजर्स का फाइंड करें। एरे ले रहे हैं। सही है। अब मुझे, जी मेरा सवाल ये है आपसे कि अपना ईमेल है हमारे पास और पासवर्ड है, इनको मैच कैसे कराएंगे? फॉर लूप के सर, जरिए? ईमेल से अगर हम पहले उसको फाइंड कर लें यूजर को। सिंपल एक काम करते हैं, शॉर्ट है। फॉर बार वी ऑफ या यू ऑफ कर लो, यू ऑफ यूजर्स देख लेते हैं इनमें क्या आ रहा है। पहले इसको पुश करना, पहले हाँ भाई, यहाँ पर यू में आ रहा है। सही है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, एरो ऑफ ऑब्जेक्ट का हर ऑब्जेक्ट उठा उठ के आ रहा है। सही है। और मैं ये क्या ये कर सकता हूँ कि इफ यू डॉट ईमेल अब मिलेगा इसको इज इक्वल्स टू वैल्यूज डॉट ईमेल एंड यू डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू वैल्यूज डॉट पासवर्ड। देन क्या करो, डिस्पैच और राउटर डॉट पुश
ब्रेक, सही है, ये काम कर रहा है हम। और उसके बाद अगर नहीं है तो मैसेज डॉट एरर, ओप्स, नो यूजर फाउंड विद दिस ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओप्स, नो यूजर फाउंड हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये लॉगिन हो गया। अब इसको हुसैन मंसूर 876। एक मिनट, इस तरह इसको फिर यूजर नहीं मिल रहा। लॉगिन में एक काम और करना पड़ेगा। नहीं, इसके साथ एलसी डायरेक्ट यहीं पे रिटर्न करा देते हैं। अच्छा, एग्जिस्ट ही नहीं करते हुए मंसूर हुसैन। ये लॉगिन हो गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे इंडेक्स में और चेक करते हैं हमें ये यूजर क्या मिल रहा है। ये तो यूजर मिल रहा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्पैच करा दिया गलत। हमें डिस्पैच वैल्यूज नहीं कराना है, हमें डिस्पैच कराना है यू। और अब अगर हम इसको यूज करेंगे अगेन, देखा ये देखो डिस्पैच हो गया आपका। और मैं सिंपल यहाँ पे हम एक हेडिंग के अंदर लिख देते हैं, H2 के अंदर, हेलो यूजर डॉट फुल नेम। सही है, हेलो मंसूर हुसैन आ गया। तो हमारे ग्लोबली रिडक्स के जरिए पूरा डेटा पास हो रहा है। हम चलते हैं अगेन लॉगिन पे। अच्छा, मैसेज डॉट सक्सेस भी यूज कर लेते हैं। सक्सेस फुली लॉग इन, नो यूजर फाउंड।
सक्सेसफुली लॉग इन। मैसेज डॉट यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और यहाँ पे हम मैसेज डॉट सॉरी राउटर यूज कर लेते हैं यहीं से पोर्ट करके। कॉन्स्टेंट राउटर इक्वल्स टू राउटर हो गया आपका और ये आपका हो जाएगा राउटर डॉट पुश। ओके तो अब क्या होगा जब मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन पे मेरे पास ये नहीं है रजिस्टर पे गया मैं मैंने आवाज आ रही मेरी सबको? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है रजिस्टर हो गया मैं लॉगिन करा मैं सक्सेसफुली लॉगिन ये सारा हो गया। अच्छा ये बेसिक है इसके आगे भी मजीद जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज रिलोड होने पे रिडक्स जो है अपना डेटा डिलीट नहीं करेगा ये है। और इसके अलावा एक दो चीजें और हैं आपका रिडक्स थंक है तो अगर नेक्स्ट लास्ट में जगह हुई तो हम जस्ट वेट अ मिनट हाँ मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा। तो आज के लिए आपको जो समझ में नहीं आया मुझे बताओगे कुछ इसके अलावा जो इसमें समझ में ना आए हो? एनीवन या रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आएगा? सर रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। सर रिक्वेस्ट है सर ये सारी कोडिंग फाइल जो है ना एक रिपोजिटरी में हमें शेयर कर दें प्लीज। यस सर ऐसा सर ठीक है सर। सर अब मैं इसकी कमेंट बनाया था कमेंट में था सर नेक्स्ट सही है मैं ये कमेंट मैंने लिख दिया इसका से एक्सक्यूज मी सर आप सर zoom चार्ट पे सर जो एक मैंने सर आपको दिया है सर उसको सर आप जरा देखकर बता दें ये मतलब ना एडमिन ने ये चीज दी है कल सैटरडे को Zoom चैट में आपने भेज दी है। जी सर उसे सर आप देख लें सर अभी ऑन साइट क्लास वालों के लिए है जो सीएनसी ऑन साइट कर रहे हैं उनका इंस्ट्रक्टर अलग है उनकी सब चीज अलग है। ये तो अमीन ने दी है ना जी सर ये ऑन साइट वालों के लिए आए थे सर ये अक्सर है ना ये सी ना चीजें ना जो थोड़ा सा ना कंफ्यूज जरूर कर देती हैं। हाँ इसलिए सर थोड़ा सा ये बात हो जाती है बस। ओके सर ठीक है हम रिमेनिंग जो हुक्स इन्होंने बताए वो भी कर लेंगे। यूज कॉल बैक हो गया आपका यस सर ये तो सर हुआ हुआ यूज कॉन्टेक्स्ट का मैं नहीं बोल सकता कि हम यूज करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट एक साथ यूज होंगे हम रिड्यूसर रिडक्स के साथ यूज कर रहे हैं सही है और अगर हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं तो हम यूज करेंगे यूज रिड्यूसर अदरवाइज हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सही है। यूज मेमो और यूज कॉल बैक हम बस देख लेंगे किस तरह यूज करते हैं सही है ठीक है सर। ओके सर मटेरियल यूआई और टेलविंड सीएसएस भी करवा दीजिएगा प्लीज। यार देखो टेलविंड का तो मैंने खुद ही यूज नहीं करा मैं तो ये ओके सही है मटेरियल असल में मैं जो ज्यादा यूज करता हूँ ना वो करता हूँ मैं मटेरियल यूआई और एनडी और टू बी ऑनेस्ट मैं अब डेवलपमेंट ज्यादा करता नहीं हूँ मैं डिप्लॉयमेंट साइड और ये क्लाउड साइड पे काम कर रहा होता हूँ
ठीक और सर, ओके बैकएंड वगैरह पे कर रहे हो तो मैं आपको ये मैं रेपो का लिंक भेज देता हूँ, सर प्लीज। मैंने चैट में भेज दिया है। सर ये नेक्स्ट में, सर ये तमाम पेज सर सर्वर साइड होते हैं, लेकिन सर कुछ ना सर पेज बोलो। पेज ना क्लाइंट साइड भी सर बनते हैं, यूज क्लाइंट मेंशन करते हैं सिंगल कोट में, सर ये क्या चीज है और ये कैसे ये हम यार को समझ मुझे आएगी? इस चीज का आइडिया नहीं है यूज क्लाइंट का। अगर मुझे आइडिया नहीं है, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में देख के बता दूंगा, बट मुझे इसका आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया है तो बता सकता है। सर जैसे हम फाइल के अंदर यूज स्ट्रिक्ट यूज करते हैं ना, कि थोड़ा सा आपने जाओ बता, हाँ यूज स्ट्रिक्ट जो एक स्ट्रिंग में हम यूज करते हो आप? जैसे फाइल में रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि भाई उसकी टाइप्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई मतलब नंबर के अंदर एरर ना जाए या एरे के अंदर नंबर ना जाए। तो इसी तरीके से यूज क्लाइंट का जो स्ट्रिंग होता है वो उस फाइल को बता रहा होता है कि ये सिर्फ क्लाइंट साइड पे रेंडर होगी, सर्वर पे रेंडर नहीं होगी। अच्छा, कौन सी फाइल्स को फिर हम यूज क्लाइंट बनाएं और कौन से ना पेज को सर्वर साइड, जो जो मुझे कैसे ये जरूरत, मतलब हो जैसे रहा जो है? मुझे बिल्ड सर्वर पे करवाने हैं, ठीक है, तो वो मैं सर्वर साइड पे करवा रहा हूँ। वैसे मुझे जैसे ऐसे पेजेस जो मुझे सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही दिखाने हैं जिसका कोई सर्वर के रेंडरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मैं सिर्फ क्लाइंट साइड पे आपकी यूज ना क्लाइंट यूज करूँ। आवाज है ना कट होती नहीं, ये अपना इनकी आवाज़ सही है, आपकी तरफ से इशू है। है, आवाज बहुत ना कट के आई तो हाँ यानी ऐसे स्टैटिक पेजेस जिनमें कोई डायनामिक डेटा नहीं आ रहा, जो प्री रेंडर होने हैं, वो क्लाइंट साइड पर बिल्कुल रखे रखे जाते हैं। बिल्कुल 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 सर, प्रीवियस ईयर टोटल पे अपलोड डाल रहे हैं इस लेक्चर की भी और प्रीवियस ईयर जी, सर इस लेक्चर की और प्रीवियस लेक्चर की वीडियो तो पोर्टल पे अपलोड कर दो प्लीज। भाई प्रीवियस की तो अपलोड हो चुकी है। प्रीवियस की आपने देखी नहीं, हो चुकी है। मैं कल वेडनेसडे को कर दी थी मैंने। सही चले, मैं है? सॉरी सर, दोबारा देख लूँ। चलें फिर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है हम लोगों का। सर इंशाल्लाह अगली क्लास कौन अगली लेगा सर? यूसुफ सर, तो यूसुफ ही लेंगे, मैं बोल दूंगा उनको। सही, ओ नेक्स्ट सर क्या करना है हमने इसमें? जो चीजें रह गई वो देखेंगे बस। मैं ख्याल में लास्ट क्लास ही होगी नेक्स्ट। तो सर क्विज में क्या आएगा फिर? हमें तो अभी नेक्स्ट जीएस का क्विज आएगा आगे मेरे ख्याल से, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? टॉपिक्स जो अभी मुझे नाम नहीं आया, जिन्होंने शेयर करी थी ना चैट चैट में पोस्ट, तो उसमें आप देखो वो टॉपिक्स जो हैं वो कवर करा देंगे सारे हम। उसके अलावा तो नहीं होगा फिर, जो टॉपिक हम कवर कराएंगे जो मेंशन किए गए वो सारे के सारे टॉपिक कवर करा देंगे, तो उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर, ठीक है फिर, ओके ओके। इसके अलावा कुछ? नो सर, इट्स ओके, थैंक ओके, थैंक यू, थैंक रिकॉर्डिंग यू वेरी स्टॉप। मच सर। ओके ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, गुड हुई है सर आज की क्लास। आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो? जी सर, यस सर, यस सर। कैसा रहा आप लोगों का? मैं ज्यादा नहीं यूज करता लेकिन अच्छा रहा वो चैट, यस सर, हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। काफी। आपका पूरा का पूरा कोड ये कन्वर्ट करके दे देता है। एनडी बता दे अब्दुल कादिर भाई। यार एनडी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, तो गला सूख रहा है यार मेरा। ठीक
चले ठीक है भाई। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो आपने कोड लिखा है अभी, आप इसका कुछ पोर्शन चैट जीपीटी में कर सकते हैं एक दफा हमारे क्या लिए? करना है? कुछ पोर्शन लाइक अगर आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो लॉगिन फॉर्म को चैट जीपीटी में अगर बनाकर दिखाएं थोड़ा सा। ओके या पेड वर्जन यूज कर रहे हैं इसका चैट जीपीटी का? मेरे क्लाइंट का है। सही, फ्री वाला तो थोड़ा उसमें एरर्स आते हैं कोडिंग में या कोई भी आर्टिकल सारे उसमें बना के दे दिया। इसको कोड सैंडबॉक्स में चला दें। सैंडबॉक्स क्या है भाई? सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रिएक्ट का, पता नहीं उसमें नेक्स्ट जेएस है यानी रिएक्ट है। मैं आप लोगों को कॉपी करके भेज देता हूँ, ट्राई कर लीजिएगा। सही, नहीं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। सर यहाँ चैट पर भी शेयर कर दीजिएगा। चैट लंबी हो जाएगी, मैं भेज देता हूँ। मैं चैट इट्स ओके। ओके सर, ओके थैंक यू। असल में इसकी लिमिट होती है ना, अगर वो एक्सीड हो जाती है तो फिर वो आधा ही मैसेज चला जाता है। राइट सर, चली गई है दोनों पे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक एक और पेज लिखा हुआ है, वो भी भेज रहा हूँ मैं आपको। मैंने भेज दिया। सही, इसके अलावा सर व्हाट्सएप भी शेयर कर दिए? जी जी, मैंने दोनों जगह शेयर कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके इसके अलावा कुछ? इट्स फाइन सर। ओके सर, फाइन। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।